हेलो एवरी वन वेलकम टू अपन चैनल सो ना वी विल डिस्कस यू आर सी एस आई आर सी एस सी रिक्रूटमेंट ट्वेंटी थ्री प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड इन दिस वीडियो स्पेसिफिकली आई विल टारगेटेटेटेटेट जनरल अवेयर सेक्शन बिकॉज जो बाकी का है वॉकी का मतलब डेफिनेटली आपको आता ही है और पता ही है ठीक है लेकिन उसके लिए भी अगर आपको सेवरेज स्ट्रैटेजी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो उसका मैं बता दूँगा ठीक है सबसे पहले ट्रिपल फोर वैकेंसी आया है एस ओ आई एस ओ के लिए और फॉर्म का लास्ट डेट है ट्वेंट ट्वेल्थ ऑफ जनवरी राइट ओके So now see, जैसे कि आपको पता है कि पेपर वन एंड पेपर टू जो है ओके okay, वो जो है स्टेज वन का पार्ट है पेपर वन एंड पेपर टू इज ऑफ़ स्टेज वन एंड इन दैट बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू जनरल अवेयरनेस पार्ट जनरल स्टडीज पार्ट एंड स्टैटिक जीके पार्ट राइट सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पार्ट एंड इट इज पॉसिबल टू मेक एट्टी प्लस आउट ऑफ हंड्रेड सो येस इट इज पॉसिबल ठीक है इट इज नॉट लाइक दै इट इज नॉट पॉसिबल सर्टन कंडीशन डेफिनेटली विल बी देर बट इट इज पॉसिबल राइट सो विद दिस माइंड सेट वी विल स्टार्ट और वीडियो ओके सो नाव ऑलरेडी सिलेबस इज गिवन इन नोटिफिकेशन आई ऑलरेडी शो यू इन द नोटिफिकेशन वीडियो ऑलरेडी मैं दिखाई दिया था तो फिर से वो दिखाऊंगा नहीं ठीक है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा मेन डायरेक्टली अभी मुद्दे पर आते हैं एंड मेन पॉइंट इज वॉट दट हाउ टू स्कोर एटी प्लस आउट ऑफ हंड्रेड राइट जनरल अवेरनेस पेपर वन में हंड्रेड मार्क्स है उसके लिए अपने को क्या क्या स्टडी करना है इन शॉर्ट समरी में एक तो पॉलिटी वी नी टू स्टडी पॉलिटी एंड सेकेंड वीनी टू स्टडी हिस्ट्री पार्ट ओके होल हिस्ट्री पार्ट ऑफ इंडिया तो उसमें एशियन भी आ गया मिडावे भी आ गया एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी आ गया राइट एंड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट थ्री इज योर करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी जीके नाउ हियर यू कैन एड जोग्रफी एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो विच विल हेल्प यू इन पेपर टू पेपर टू में जॉग्रफी एंड इकोनॉमिक्स दिया है तो वो अभी पढ़ना है ठीक है तो इन शॉर्ट ओवरऑल अपने को पढ़ना है जनरल स्टडीज पार्ट ऑफ दिस फोर सब्जेक्ट एंड करंट अफेयर एंड स्ट्रेटेजी के राइट नाउ द मेन थिंग इज दैट आउट ऑफ दिस हंड्रेड मार्क्स विच यू विल गेट इन पेपर वन वॉट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो सी नाव डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा फिक्स नहीं होगा इट विल डेफिनेटली वेरी बट एक केस कंफर्म है कि डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मैक्सिमम गिवन टू करंट अफेयर एंड स्ट्रेटेजी करंट अफेयर एंड स्टेटिक के लिए मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सम क्वेश्चन आने वाले आउट ऑफ हंड्रेड ठीक है तो so, एक जस्ट अजम से लेकर हम चलते हैं कि ट्वेंटी फाइव परसेंटेज जो है वो आएगा जनरल स्टडीज से एंड जो मेजरली सेवेंटी फाइव परसेंटेज है वो आएगा करंट अफेयर से ओके okay, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ऐसा फिक्स नहीं बोलूंगा कि ट्वेंटी फाइव परसेंट ही आएगा ठीक है ऊपर नीचे हो सकता है बट मैक्सिमम पोर्शन करंट अफेयर का रहेगा एंड मिनिमम रहेगा पॉलिटिक हिस्ट्री का ठीक है इसमें ऐसा भी हो सकता है कि फोर्टी फाइव क्वेश्चन आए इसमें से एंड करंट अफेयर के फिफ्टी फाइव है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो इन शॉर्ट अगर अपने को एटी प्लस चाहिए तो सबसे पहले जो पॉइंट है एक तो कि जो ये पार्ट है जनरल स्टडीज का ये करना ही पड़ेगा राइट right? बट इतने कम समय में कैसे करेंगे बिकॉज ओनली वी हैव हाउ मच वन मंथ ठीक है जनवरी तो February में एग्जाम है तो जनवरी पकड़ लो पूरा मंथ आपके पास है ओके okay? और अगर इन शॉर्ट में बोलू तो फोर्टी डेज आपके पास है तो फोर्टी डेज में अपने को लाना है एटी प्लस ओके नाउसी जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में विल बी देयर सो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आप कंसिस्टेंटली मोर देन सिक्स मंथ अगर जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो तीन मंथ से भी ज़्यादा अगर हो गया आपको जीएस पढ़ते हुए ठीक है मे बी आप यूपीएससी पी हो मे बी एसएससी सी एस्पेरेंट हो मे बी अलग अलग कॉम्पिटिव एग्जाम जो है स्टेट पीएससी वगैरह उसके एस्पैरेंट हो अगर आप पढ़ रहे हो तो येस इज पॉसिबल ठीक है अभी बहुत सारे वीडियोज़ तो आपको मिलेंगे कुछ क्लिप्स मेरे पास आए कि जो मतलब यूपीएससी पी है वही एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं वही फॉर्म भर सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आपने यूपीएससी दिया भी नहीं है और देने का मन भी नहीं है तो भी ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो कंडीशन क्या है ये जो है कंडीशन वो इंपॉर्टेंट है ठीक है दिस कंडीशन शुड गेट सेटिस दैट एटलीस्ट फॉर मोर देन सिक्स मंथ और थ्री टू सिक्स मंथ यू शुड बी इन प्रिपरेशन विद दिस हिस्ट्री एंड पॉलिटी ठीक है देन यू आर एलिजिबल एंड देन यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इजी देन यू कैन गेट एटी प्लस मार्क्स ठीक है तो मतलब मन में ऐसा रखो मत कि हाँ मैं यूपीएससी नहीं कर रहा हूं तो मेरा कुछ होगा नहीं ठीक है जो यूपीएससी कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता ये एग्जाम सी एस आई आर का है यूपीएससी का एग्जाम नहीं है ठीक है फर्स्ट पॉइंट ठीक है

सी सबसे पहले जो है यूट्यूब पे पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो अवेलेबल है तो आपको सेपरेटली कोचिंग वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है सेल्फ स्टडी और प्रॉपर बुक्स अगर आपको मिले रिसोर्सेज अगर आपको मिले देन ऑल्सो यू कैन क्रैक दिस एग्जाम ठीक है नो नीड टू बाय एनी कोचिंग फॉर दिस स्पेसिफिकली क्योंकि ऑलरेडी सब सी पॉलिटी चेंज नहीं होगा ठीक है जो जिन्होंने दो में बनाया था दो में भी पॉलिटी वही होगा कंसेप्ट वही होंगे तो कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होंगे तो मेन जस्ट थोड़ा स्मार्ट बनो यू के ऑलरेडी लॉस ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी अवेलेबल नाइन्टी नाइन परसेंट अवेलेबल है वन परसेंट थोड़ा बहुत आपको खुद से करना पड़ेगा ठीक है लेकिन अगेन सिलेक्शन लेने के लिए नाइन्टी नाइन परसेंट इनफ है तो लक्ष्मीकांत जो है पॉलिटी का बुक उस पर आपको यूट्यूब पर मैराथन मिल जाएंगे जैसे आप डालो कि मैराथन ऑफ लक्ष्मीकांत पॉलिटी ठीक है बहुत सारे वीडियोज तो आपको आ जाएंगे जो आपको अच्छा लगता है वो एक पकड़ो और उसके प्रॉपरली वीडियो देखो ठीक है मे बी आठ नौ घंटे दस घंटे का होगा लेकिन दस घंटे में पूरा का पूरा बुक अच्छे से आपका कवर हो जाएगा ओके प्रॉपर वीडियो सिलेक्ट करो ये एक छोटा चैलेंज है कि बहुत सारे कंटेंट है तो उसमें से प्रॉपर कंटेंट क्या है तो वो आपको सिलेक्ट करना है ठीक है तो अपने हिसाब से सिलेक्ट करो यू कैन सी इन इंग्लिश लैंग्वेज दे हिंदी लैंग्वेज दे ठीक है सेकेंड है कि आप डायरेक्टली बुक परचेस करो एंड यू कैन रीड फ्रॉम दैट बुक दिस द सेकंड पॉइंट आई एम गिविंग यू सो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो इन वॉट एवर वे यू आर कंफर्टेबल बाय रीडिंग बुक और वॉचिंग विडियो गो फॉर दैट ठीक है नेक्स्ट हिस्ट्री है जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स है तो सी अभी अगर ये चारों का कंबाइन करू तो इस चारों के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है जस्ट यू कैन फॉलो वन बुक एंड दैट इज लूसेंट ठीक है वन बुक इज देअर लूसेंट ठीक है सो इधर से ही आप सभी चीजें कर सकते हो ठीक है पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर है ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आगे मैं बोलूँगा ये यूपीएस का पेपर नहीं का वेपर है सी का पेपर है ठीक है तो मेन थिंग इज दैट आप लूसेंट लो डायरेक्टली परचेस कर सकते हो एमेजन से और डायरेक्टली उससे पॉलिटी हिस्ट्री जोग्रफी इकोनॉमिक्स बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसमें भी मिलेगा वो अपने को पढ़ना है ठीक है जनरल साइंस पार्ट तो दैट ऑल्सो यू कैन कवर वाई लूसेंट बुक ठीक है तो ये सेकंड वे मैंने आपको बता दिया है ओके okay. अब इसी जब भी आपका जनरल स्टडीज पार्ट कंप्लीट होगा करंट अफेयर में बात पे आते हो तो सबसे पहले जो आपका स्टेप है रीडिंग का वो आपने कंप्लीट कर लिया बाय वाचिंग वीडियोस और बाय रीडिंग बुक्स ठीक है ऑलरेडी मैंने बता दिया तो उसके बाद आपको क्या करना है सबसे पहला रिगरस प्रैक्टिस करना है यू न्यू टू डू रिगरस प्रैक्टिस ठीक है बिकॉज सी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये बहुत सारा चीजें हैं स्टैटिक पार्ट है सब वो आप बोलने लगोगे डेट्स वगैरह बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में अपने को याद करनी पड़ती है जो मतलब मतलब नहीं है लेकिन अभी एग्जाम करेक करने के लिए उतना करना पड़ेगा राइट तो मेन क्या है कि प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा करना पड़ेगा ठीक है तो अभी प्रैक्टिस आप किधर से करोगे तो सबसे पहले सी इसके लिए जो है एक जेन्यून प्लेटफॉर्म जो होगा अभी मैं इस बार सी एस आर को टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे रिक्रूटमेंट टारगेट कर रहा हूं मैं ठीक है तो टेस्ट जो है अपना नहीं है इसलिए जस्ट मैं गाइडेंस वीडियो बना के आपको मतलब दे दूंगा चीजें बट टेस्ट आप एक जेन्युन प्लेटफॉर्म का प्रीफर करो जिसे आप मिलो ठीक है सेकेंड जो चीजें जो अपने डेली टेलीग्राम पीडीएफ आ रहा है ओके okay? तो नीचे कमेंट सेक्शन में यू विल गेट द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एंड डेली यू आर गेटिंग टेलीग्राम प्रॉपर so स्ट्रेटेजिकली सुनो और समझो नोट बनाओ एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन ठीक है सेकेंड हो पीडीएफ हो गया तो सबसे पहला पीडीएफ आपको यूज करना है जो है डेली जनरल स्टडीज क्विज ठीक है डेली जनरल स्टडीज क्विज है आपको क्वेश्चन मिल रहे है लाइक दिस हिस्ट्री पॉलिटिक इकोनॉमिक्स ठीक है वन डे वन सब्जेक्ट लाइक दैट सो हियर यू विल गेट टोटल नाइन टेन क्वेश्चन ओके और आंसर जो है वो इधर दिए है तो खुद से अभी क्या करना है आपको ये जो पी है वो सॉल्व करना है ठीक है तो क्वेश्चन आपको पढ़ना है प्रॉपरली और सॉल्व uh, करना है इस तरह के सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे डेली करते रहना है नाउ सपोज आप अगर ऑलरेडी टेलीग्राम पे नहीं हो देन जॉइन टेलीग्राम चैनल एंड आपको क्या करना है कि लास्ट थ्री मंथ्स के लास्ट थ्री मंथ्स के जितने भी जनरल स्टडीज के पी है वो डाउनलोड कर लो एक तो ओके okay, सभी चीज़ें फ्री है तो वो आप डाउनलोड कर लो एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसंग दो क्वेश्चन ठीक है लास्ट सिक्स मंथ भी जा सकते हो लास्ट नाइन मंथ भी जा सकते हो स्टार्ट करो लास्ट थ्री मंथ से ओके okay? देन धीरे धीरे अगर थ्री मंथ आपका कंप्लीट होता है टाइम के पहले गो फॉर सिक्स मंथ गो फॉर नाइन मंथ ठीक है लाइक दिस इफ यू विल डू देन डेफिनेटली यू विल गेट कॉन्फिडेंस इन जनरल स्टडीज एंड नो यू टू वरी फॉर एवरीथिंग आराम से हो जाएगा इसे ठीक है एक एक करके करते आपको वैसे ही करना है तो यह फर्स्ट पीडियड आप यूज करोगे जनल स्टडीज के लिए तो इस तरीके से अगर प्रॉपर टाइम आप दोगे इफ यू विल गल सफिशियंट टाइम फॉर प्रिपरेशन देन डेफिनेटली यू आर हिस्ट्री पार्ट मीन जनरल स्टडीज पार्ट विल गेट स्ट्रांगर ठीक है वो स्ट्रांग हो जाएगा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है नाउ सेकेंड जो है चैलेंज अपने पास वो है करंट अफेयर एंड स्ट्रेटेजी के तो नाउ सी करंट अफेयर एंड स्ट्रेटेजी के अगेन मैं रिपीट करूंगा कि दोज हु ऑलरेडी स्टडिंग सिंस फ्रॉम थ्री मंथ्स टू सिक्स मंथ करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हो भले न्यूज पढ़ रहे हो मैगजीन पढ़ रहे हो वगैरह वगैरह तो आप मतलब कंटिन्यूसली पढ़ो अच्छे से आपका हो सकता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ओके जो अभी स्टार्ट करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा तो इज़ बेटर कि आप दूसरे रिक्रूटमेंट पे टारगेट करो जो मैं मतलब नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ सी आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकल थिंग्स ऐसा नहीं कि फुकट का मोटिवेशन मैं दे दूंगा फिर आप उस पर टाइम वेस्ट करोगे फेब्रवरी तक क्योंकि टू के अगर दो मंथ आपके वेस्ट हो गए सी में तो फिर प्रॉब्लम होगा ठीक है क्योंकि कॉम्पिटिशन इसके लिए बहुत रहेगा टोटल ट्रिपल फोर वैकेंसी है एसओ तो और एसओ के लिए कॉम्पिटन भी डेफिनेटली हाई ठीक है बाकी पेपर थ्री इंटरव्यू का टेंशन की जरूरत नहीं अपना आई जो है इंटरव्यू गेंस प्रोग्राम बहुत ही स्ट्रॉँग है तो वो बाद में आएगा लेकिन अभी मेन क्या है कि आपको अच्छे से इसका प्रिपेयर करना है ठीक है तो करंट अफेयर एंड जीके के लिए अभी सी अपने पास जो है मैगजीन बॉक्स है तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या है ओके सो नाउ इफ यू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन देन एप्लीकेशन में आप देखोगे कि मैगजीन बॉक्स है तो उसमें आपको जाना है कंटेंट में जाना है और इधर आप देख सकते हो कि मैगजीन जो है करंट अफेयर मैगजीन्स वो आपके सामने अगस्त मंथ सप्टेंबर मंथ अक्टूबर मंथ नवंबर मंथ एसेंबर मंथ ठीक है अभी सबसे पहले जो है आप पूछोगे कि किधर से किधर तक पढ़ना है तो सी मेन जो है आपका एग्जाम इज शेड्यूल इन फेब्रुवरी मंथ ठीक है तो सबसे पहले जो है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो अगस्त से लेके फेब्रुवरी तक ठीक है ये एक पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज योर फेब्रुआरी टू टू जुलाई टू ठीक है ये सेकेंड पार्ट हो गया तो इधर से जो है मैक्सिमम आपके क्वेश्चन बनेंगे एटी टू नाइनटी परसेंट ठीक है जो रिसेंट करंट अफेयर से मतलब सिक्स छह सात महीना हो गया उससे ज्यादा बनेंगे और इधर से बाकी के जो टेन ट्वेंटी परसेंट बचेगा पाट तो इधर से बनेगा ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में अपने को टारगेट करना है फर्स्ट अगस्त टू फेब्रवरी मंथ और इधर अब आप अगर आपका स्ट्रॉक हो जाता है तो यू कैन गो फॉर फेबुअरी जुलाई ठीक है तो स्टार्ट हम आगे अगस्त से करेंगे और फिर आप ये कर सकते हो ठीक है अभी जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आप रिवाइज कर सकते हो बाकी ऑगस्ट से लेकर तो अपने मैगजीन में है ही तो वो टेंशन की जरूरत नहीं है ठीक है अभी सबसे बढ़िया चीज जो है अपने मैगजीन बॉक्स की वो क्या है कि फाइल वाइज स्ट्रक्चर है तो इधर आप देख सकते हो कि डिफरेंट फाइल्स है ठीक है तो जब भी आपको क्विकली रिवाइज करना पड़ता है जस्ट यू नीड टू ओपन द फाइल एंड यू टू रीड दिस तो रिवीजन जो है फास्ट रिवीजन करने के लिए ये फाइल वाइज स्ट्रक्चर दिया है ऐसा नहीं किया है जो बाकी आप मैगजीन देखते होंगे कि 500 पेज का मैगजीन दे दिया आपको पूरा और पूरा आप फिर पढ़ते रहोगे फाइल वाइज स्ट्रक्चर इज देयर कैटेगराइजेशन इज देयर सो दैट आपका जो रिविजन है आप क्विकली कर पाओ वेन एग्जाम इज नियर ठीक है सो आई होप यू गॉट दिस थिंग नाउ वन बाय वन आई विल शो यू दैट वट इज मैगजीन बॉक्स एंड वट वॉट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस मैगजीन तो मैंने ऑगस्ट वन का आपके सामने ओपन किया है ठीक है ये कवर इंडेक्स है तो कवर इंडेक्स आपके सामने है ये आप कवर इंडेक्स देख सकते हो ठीक है सेकंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो पार्ट है इंडेक्स तो इसमें क्या क्या है बुक्स एंड ऑथर क्विक बाइट्स रिसेंट अपॉइंटमेंट्स नेशनल न्यूज इंटरनेशनल इवेंट्स ठीक है इंटरनेशनल भी कवर किया है बैंकिंग रिलेटेड भी चीजें कवर की है एमओयूज है अवार्ड है स्पोर्ट्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ओके ऑबिचेरी है मिसस्िलियस okay, इवेंट है डिफेंस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स ठीक है access, topics, तो ये मतलब हो गया अपना मैगजीन अभी इसमें एड ऑन चीजें दी है कि जनरल स्टडीज के क्वेश्चन बैंक दिया है तो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीएसआर के लिए आई बी पी का प्रीवियस ईयर पेपर मतलब सॉल्व पेपर है एक यहाँ सैम्पल पेपर है एस 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 सी एच सैंपल एंड आर आर बी इंटरव्यू सैंपल ठीक है अभी सबसे बढ़िया बात सी जो रिसोर्सेज है करंट अफेयर्स के लिए जो आप पढ़ते हो तो सभी रिसोर्सेज का एक कंपाइल करके डेटा जो है इसमें आपको दिया गया है एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में भी, भी मज़ा आएगा ठीक है और ये जो है आप एप्लीकेशन मतलब मोबाइल में भी यूज कर सकते हो एंड लैपटॉप पर भी आप पढ़ सकते हो पी तो इसलिए दिया है क्योंकि मोबाइल में प्रॉब्लम होता है कभी कभी तो लैपटॉप पर भी आप पी पढ़ सकते हो किस किस सोर्स से हमने जो डेटा है वो कलेक्ट किया है तो बीबीसी ओके देन आप पी आई बी पी टी आई बिजनेस स्टैंडर्ड द हिंदू सबसे इंपॉर्टेंट पेपर तो द हिंदू है राइट इंडियन एक्सप्रेस मतलब जो भी लीडिंग पेपर है न्यूज पेपर है और जो वेबसाइट्स है मनी कंट्रोल वगैरह इंडिया टुडे उससे हमने डेटा कलेक्ट किया है और एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नीडेड है और ये जो मैगजीन बॉक्स है हर एक एग्जाम के लिए आप यूज कर सकते हो यूपीएससी छोड़ के ठीक है यूपीएससी से भी कर सकते हो एक लेवल तक बट उससे छोड़ते हैं बाकी सभी एग्जाम ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन परसेंट एग्जाम के लिए आप यूज कर सकते हो ठीक है बहुत ही अफोर्डेबल वे में मैं आपके लिए दे रहा हुई है तो इसका अच्छे से यूज करना है कैसे करना है अभी बताता हूँ मैं तो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑफ मंथ तो इस पर मैं करता हूँ ठीक है तो जो भी ऑगस्ट मंथ में ट्रेंडिंग था तो वो आपके सामने दिख रहा होगा जैसे कि चंद्रयान थ्री मिशन जो अपना लॉन्च हुआ ठीक है तो साइंस एंड टेक में सी में क्वेश्चन होगा ही होगा कंपलसरी कि चंद्रयान थ्री पे और बहुत सारा डेटा इधर आपको दिया है वो अच्छे से आपको पढ़ना है राइट तो इस तरीके से आप पढ़ोगे सभी चीज़ें ठीक है आप देख सकते हो जैसे कि अरे प्रॉपर फॉर्म में सब चीजें दी है बाद में ऑड इज यूनिफॉर्म सिविल कोड इससे भी आएगा क्वेश्चन ये यूपीएससी में भी पूछेंगे ठीक है तो इस तरीके से ये जो फॉर्मेट है ओके okay, वो आपके सामने है बाद में इंटरनेशनल इवेंट्स क्या क्या है तो इंडिया रैंक सिक्सटी सेवन थी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स स्वीडन ओके ऑन टॉप तो डब्ल्यू जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया था ये तो उसका डेटा है ठीक है बाकी स्टैटिक पार्टनर्स ही इधर जो है दिया है कि स्वीडन का डेटा है तो इधर आपको दिखेगा कि स्वीडन का जो फाउंडर हेडकवार्टर है चेयरपर्सन एंड प्रेसिडेंट ठीक है तो ये किसका है दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दिया है तो मतलब स्टैटिक पार्क भी बहुत अच्छी तरीके से इस पर कवर किया है ठीक है तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़ोगे अपने नोट्स बनाओगे और रिवाइज करोगे ठीक है बाद में स्पोर्ट्स के भी जितने इवेंट हुए हैं अगस्त मंथ में तो इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागल बॉन टेम्पर चैलेंज ट्वेंट ठीक है तो ये सब आप देख सकते हो और इस तरीके से पूरा पूरा अच्छे से डेटा जो इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिव एग्जाम इट इज गिवन राइट हाँ अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें ये है क्विक बाइट्स तो क्विक बाइट्स में क्या होता है कि जो प्रीवियस मंथ्स है तो उसके जो इम्पोर्ट करंट अफेयर है वो एक वन लाइनर के फॉर्म में आपको दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ सभी चीज़ें ठीक है और आप देख सकते हो कि टोटल छः पेजेस इसमें दिए हैं तो पेजेस भी बहुत कम रखे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चीज़ें दी है ताकि आपको प्रेशर आए तो कम टाइम में आप अच्छे से सब चीज़ें कवर कर सकते हो ओके तो यह है था अपना मैगजीन बॉक्स ओके अभी जो अपना जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज सेक्शन है तो उसके 250 क्वेश्चंस इधर दिए हैं ओके सभी सब्जेक्ट के मतलब हिस्ट्री के पचास है करंट अफेयर के पचास है तो अभी से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पावरफुल है तो कैसे इसका यूज करना है वो पढ़ो देखो अभी तो इधर आपको दिया है क्वेश्चन ठीक है और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा दिया है और इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सीए शहर में ठीक है तो अभी सी आपको क्या पढ़ना है सी हमारा प्रिपरेशन करना है ठीक है वी नीड टू प्रिपेयर सो हाउ टू एनालाइज द क्वेश्चन प्रॉपरली इट इज नॉट लाइक दैट यू जस्ट यू विल रीड द क्वेश्चन यू विल टिक आंसर यू विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नो ऐसा नहीं करना है प्रॉपर प्रिपरेशन होना चाहिए उसके लिए क्या करना है क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से ठीक है आंसर उसका आपको पता है तो मार्क करो उसके बाद फिर से क्वेश्चन पे आओ अगेन रीड द क्वेश्चन केयरफुल एंड फ्रॉम क्वेश्चन इट सेल्फ यू विल गट लॉस ऑफ इनफॉर्मेशन लाइक हिर यू कैन सी द सुप्रीम कोर्ट एज ऑब्जर्व एज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल ऑर्डर इन 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 अटिशन फाइल बाई द स्टेट ऑफ तेलंगाना कंप्लेनिंग दट द गवनर हैज के पेंडिंग सेवल इम्पॉर्टेंट बिल्ल सेन्ट ठीक है विचर द फोईंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन द गवर्नर ऑफ द स्टेट मतलब क्या कि वो पूछ रहा है कि गवर्नर ऑफ स्टेट को पावर क्या दिया है तो इसके साथ साथ आपका जो करंट अफेयर है वो भी कवर हो गया ठीक है मतलब जनरल स्टडीज प्लट करंट अफेयर का कॉम्बिनेशन आपको दिख गया तो इधर अभी लिखा है कि सेंडिंग अ रिपोर्ट टू तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर रिजर्विंग सर्टन बिल्स तो इसमें से जो है दो आंसर होने वाले हैं तो दो आंसर आपको मिलेंगे कि जो पावर होता है गवर्नर के पास हर एक स्टेट के ठीक है तो आई होप आपको समझा कि एक क्वेश्चन से कितना ज्यादा ब्रेन में किया हो तो लाइक दिस इफ यू स्टडी ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो जीएस जो है आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ओके okay, लेकिन हर एक क्वेश्चन को ऐसे करना है ये इसलिए ये जो ये जो जो सेक्शन है bank, question, है फाइल आपका जीएस क्वेश्चन बैंक 250 फिफ्टी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है आंसर इसका नीचे दिया है तो वो टेंशन की जरूरत नहीं है सभी आंसर आपको दिए गए हैं ठीक है थीके? तो आंसर आपके सामने दिख रहे हैं आपको वस वस का ए आंसर है ऐसे ही पूरा पूरा आंसर के दिया है और इसमें आप देख सकते हो सभी सब्जेक्ट है हिस्ट्री जोग्राफी और ये जो क्वेश्चन है वो हर एक मैगजीन में है मतलब अभी ऑगस्ट से लेकर डिसंबर तक अपने मैगजीन हो गए ठीक है पांच मैगजीन है तो फाइव इंटू टू फिफ्टी कितना वन थाउजेंड ठीक है तो इतने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और बाद में जो मैगजीन्स आएंगे जनवरी फेब्रवरी ये कंटिन्यूसली अपडेट हो जाएगा हर मंथ जो है आपका मैगजीन में डाला जाएगा वो आपको पढ़ना है ठीक है तो आई होप यू गॉट दी आइडिया की स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं क्योंकि सी मेन क्या है जिस जिस पर्पज के साथ वो डेवलप हुआ है उसी पर्पज से अगर आप पढ़ोगे देन डेफिनेटली अपना काम हो जाएगा दोनों का नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं किस वे से ये निकाला है इसका यूज कैसे करना है तो फिर मतलब नहीं है ठीक है दैट्स एम टेलिंग यू दैट मच डेप्थ जो आपको कोई नहीं बताएगा बाकी बोलेंगे ज्वाइन कर लो वगैरह लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है ओके इफ यू लाइक यू कैन इफ यू सी दिट ठीक है दो महीने में मैं इससे क्विकली कवर कर सकता हूँ सिलेबस देन कंपलसरी आई विल स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू टू जॉइन दिस ठीक है बाद में फिर आप देख सकते हो कि हिस्ट्री का पार्ट है तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चन दिए हैं ठीक है तो हिस्ट्री द नंबर ऑफ वेदास वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन इसमें तो जोग्राफी वगैरह तो सब जी एस का पार्ट जो है इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप कवर करना है मैगजीन बाय मैगजीन बाकी अगर आपको ये पेपर जो है जो सैंपल पेपर है वो दिए हैं वो सॉल्व करने हैं वो भी आप कर सकते हो क्योंकि जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड है आपके सीएसआर में ठीक है तो वो भी आप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सोल्यून भी पूरा डिटेल में दिया गया है हर एक क्वेश्चन का इधर आप देख सकते हो जैसे कि ठीक है हिस्ट्री का भी पूरा पूरा डिटेल में दिया गया है तो ये आप कर सकते हो ठीक है तो ये है अपना मैगजीन बॉक्स है ऐसे ही डिसेंबर वगैरह सब पूरा का पूरा प्रॉपरली आपको स्ट्रक्चर वे में दिया गया है लिंक so उस लिंक पे क्लिक करना है और फिर ये पेज खुलेगा तो इधर से आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है इसके बाद अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करो और फिर स्टार्ट रीडिंग मैगजीन बॉक्स अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए तो मुझे आप पूछ सकते हो एप्लीकेशन पे डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा ठीक है और ये आप एप्लीकेशन प्लस लैपटॉप पे देख सकते हो फीस जो है वो है नाइनटी नाइन रुपीज फॉर नाइन नाइन डेज मतलब एक दिन के हिसाब से एक रुपया ठीक है तो नाइनटी नाइन डेज के लिए नाइनटाइन रुपीज रखा है बाद में इसको फिर से आप रिन्यू कर सकते हो ताकि आपको बाकी के मैगजीन जो आगे के आएंगे वो मिलते रहेंगे ठीक है अभी इसी नाइन के लिए आप नाइनटीन डेज लोगे तो नाइन डेज में जितने भी मैगज आपको मिलेंगे एडिशनल जैसे कि जनवरी फेबुरी और मार्च भी आ गए इसमें तो वो वो आपको मिलने वाले हैं ठीक है तीके? तो सी के लिए अगर आपको पढ़ना है तो ले बाद में कोई एग्जाम के लिए देना है तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो ठीक है तो एज अ ट्रायल अगर आपको चाहिए तो वो भी देख सकते हो क्योंकि नाइन टेन वन रुप वन डे मतलब है तो इसलिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मैंने रखा है आपके लिए ठीक है आई होप इसका आप ऐसे ही यूज़ करोगे जैसे मैंने बताया है प्रॉपरली फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करो एंड देन अगेन चेक दिस ठीक है

तो सबसे पहले बात अभी यह हो गया तो टेलीग्राम पीडीएफ पे आपको सेकंड पीडीएफ आ रहा है जो है डेली स्टैटिक जीके ठीक है अभी स्टैटिक जीके को हम दो वे से टारगेट कर रहे हैं तो फर्स्ट जो टारगेट अपना है वो है वन लाइनर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है प्रॉपर सब सब स्ट्रक्चर किया हुआ है लेकिन अगर आपको नहीं कैसे यूज करना है तो फिर प्रॉब्लम होगा तो इसलिए सुनो एक तो वन लाइनर पीडीएफ आपको आ रहा है और सेकंड पीडीएफ आ रहा है स्टैटिक जीके के लिए वो है डेली टेबल ठीक है डेली टेबल अभी दोनों पीडीएफ में आपको दिखा देता हूं कैसे दिखते हैं ओके okay, तो अभी आपके सामने है डेली टेबल ये जो फर्स्ट पीडीएफ है स्ट्रैटेजी के लिए तो इधर आपके सामने एक टेबल आपको दिखा गया ठीक है ये साइड पे तो डिसीज है तो इसका जो टॉपिक है वो है नेम ऑफ द डिसीज डिफरेंट डिसीजीज ठीक है तो इधर आपको दिख रहा है कि डिसीज कौन कौन से है और किससे होते हैं जैसे कि अभी ट्रेंडिंग करेंटली टॉपिक है कोरोना फिर से आ गया है उसका न्यू वेरियंट डिटेक्ट हुआ है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर से पूछ सकते हैं सी में आपको ठीक है तो क्लोरेला किससे होता है पैथोजन ओके देन हैबिटेट इंटेस्टाइन किधर होता है देन न्यूमोनिया किससे होता है ठीक है तो वो दिया है किधर होता है लंग्स में होता है तो इस तरीके से टेबल वाइज फॉर्म में हम एक एक स्ट्रेटेजी के को डेली टारगेट करेंगे ठीक है तो डेली आपको ये पीडीएफ आएगा इसको आपको अच्छे से यूज करना है डाउनलोड भी कर सकते हो टेलीग्राम पीडीएफ आपको डेली मिलता जाएगा तो इससे क्या होगा आपका स्ट्रेटेजी के टॉपिक वाइज प्रिपेयर हो रहा है मतलब ये टॉपिक क्या था डिस राइट तो डिफरेंट डिसीज आपके एक ही टेबल में कवर होगा जो इंपॉर्टेंट है बाकी अपने मैगजीन में थोड़े मिलेंगे इधर उधर मिलते रहेंगे ठीक है तो ये हो गया अपना फर्स्ट पीडीएफ डेली टेबल जो आपको यूज करना है और प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाओ हुई सबका ठीक है चाहिए तो प्रिंट आउट लेके भी आप अपने रख सकते हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है okay? ओके बाद में जो पीडीएफ आपको यूज करना है वो है डेली स्टैटिक वन लाइन तो के का ये सेकंड पीडीएफ है अब तक तीन पीडीएफ ये तीसरा पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूँ राइट आई एम शोइंग यू द थर्ड पीडीएफ नाउ हियर यू कैन सी दैट थोड़े बहुत आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जैसे वेयर आर द मोस्ट ऑफ द नेशनल पार्क इन द कंट्री तो मध्य प्रदेश में ओके इट इज लोकेड मध्य प्रदेश वॉट इज द नेम ऑफ इंडिया लार्जेस्ट नेशनल पार्क तो हिम ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के ओके तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि डिफरेंट वन एन फॉर्म में हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं कभी कभी टॉपिक होगा मिक्स होगा तो इधर आप देख सकते हो कि ज्यादातर नेशनल पार्क से एंड टाइगर रिजर्व के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है तो इस तरीके से आपको डेली अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी एक दिन किया okay, एक वीक किया दो वीक किया नहीं होगा नेक्स्ट फोर्टी डेज के लिए कंटिन्यूसली आपको टेलीग्राम पीडीएफ और मैगजीन बॉक्स जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ते रहना है तभी आपका जीएस स्ट्रांग होगा और तभी जो अपना टारगेट है एट्टी प्लस का वो अचीव हो पाएगा आउट ऑफ हंड्रेड ठीक है तो ये ध्यान रखना है नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज के लिए कंटिन्यूसली आपको पढ़ना ही है और डेफिनेटली ये बाकी एग्जाम्स के लिए जैसे कि एस एस सी आईबीपीएस ओके यूपीएससी के लिए भी एक हद तक आपको काम आएगा ही आएगा ठीक okay, तो है जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ओके एंड लास्ट पीडीएफ यू टू रेफर फॉर करंट अफेयर डेट इज योर डेली जनरल अवेयरनेस क्विज तो ये फोर्थ पीडीएफ है जो लास्ट आपको यूज करना है अपने डेली प्रिपरेशन में और इधर भी आप देख सकते हो कि जो करंट अफेयर है वो स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में दिया है जैसे मैंने मैक्सिम बॉक्स में आपको दिखाया राइट तो इधर से आप बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर सकते हो जैसे कि अभी इस पे आते हैं द रिसेंट वुमेन्स रिजुएशन बिल ट्वेंटी थ्री इस पर क्वेश्चन आएगा ठीक है गार्डन अटेंशन ड्यू टू इस ऑफ कोटा फॉर ओबीसी वुमेन राइट तो कंसेंट ए फॉर ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द नेशनल लॉ कमीशन क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ऑफ द अबाउ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज कौन से है ये सेम टू सेम टॉपिक आपको दिया है सीएसआर के सिलेबस में आप अगर देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज राइट तो सी देखा आपने कि इधर से ही मतलब कि, कितना ज्यादा आपका प्रिपरेशन हो रहा है अच्छे से प्रिपरेशन हो रहा है और डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन हो रहा है ठीक है ऐसे ही एक क्वेश्चन से इतने सारा डेटा आपको मिल रहा है आंसर मिल रहा है इसका आंसर नीचे दिया है बाकी ऐसे ही आपको हर एक चीज कलेक्ट करते रहना है ठीक है तो लाइक दिस इफ यू प्रिपेयर द डेफिनेटली 80 प्लस मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे कोई रोक नहीं सकता बट कंडीशन क्या है कंसिस्टेंसी और अगर आप अभी ज्वाइन करोगे टेलीग्राम पीडीएफ तो लास्ट थ्री मंथ से स्टार्ट करो मतलब लास्ट थ्री मंथ पे जाओ फाइल सेक्शन में क्लिक करो क्लिक ऑन फाइल सेक्शन एंड डाउनलोड ऑल द फाइल्स ऑफ लास्ट थ्री मंथ एंड स्टार्ट यूर प्रिपरेशन फॉर जेवन एंड जनरल स्टडीज ओके तो इस वीडियो में हमने कवर किया जो आपका पेपर वन है उसका जनरल स्टडीज पार्ट जो कि आपको हंड्रेड मार्क्स के लिए आने वाला है ठीक है हंड्रेड मार्क्स के लिए आपको आएगा और इसमें आपको अच्छे से स्कोर करना है हंड्रेड मार्क्स आपको मिलेंगे राइट right? इसके अलावा अभी आपको अगर बाकी सेक्शन भी टारगेट करना है इंग्लिश वगैरह उसके वीडियो चाहिए स्ट्रेडीजी वीडियो बुक्स वगैरह तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मुझे पूछ सकते हो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक इट एज सुन एज पॉसिबल ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम ओके प्रॉपरली करो और इसके हिसाब से प्रिपरेशन करो एटी प्लस मार्क्स अपने को मिल जाएंगे ठीक है ऑल द बेस्ट